हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैच साइज, जिसको लेके दिमाग में हमेशा डाउट बने रहते हैं फूड इंडस्ट्रीज में, अदर इंडस्ट्रीज में, कि यार मैच साइज क्या होता है, किस तरीके से इसको मेजरमेंट करते हैं, क्या होता है। तो पहले तो देखते हैं मैच साइज होता क्या है। द नंबर ऑफ ओपनिंग्स इन 1 square inch ऑफ ए स्क्रीन जो होता है, इसको बोलते हैं मैच साइज। जैसे कि 10 मैच स्क्रीन का अगर मैं बोलूं कि क्या मतलब होगा, तो होगा 20 wires per inch। कैसे होगा ये आपको थोड़ा और बाद में ब्रीफ करूंगा, तो आपको और धीरे धीरे करके एग्जांपल के साथ समझ आता रहेगा। जैसे अभी आपको एक स्क्रीन दिख रही है, मैंने बनाया हुआ इस टाइप से, देखिए ये एक स्केल है, स्केल्स में मार्किंग है, ये 1 से लेके 2 तक की नंबरिंग मैंने दिखाई है, 1 to 2। तो ये कितना हो गया, 1 inch का स्क्रीन का एरिया मैंने आपको लिए दिखाया हुआ। इस 1 inch में अब आप ये मैंने कुछ वायर्स की ओपनिंग से यहाँ पे दिखा रखी है। अब यहाँ पे 1 inch एरिया में कितना ओपनिंग हो रहा है, 1 and 2। तो इसका साइज क्या हो गया, 2 mesh का इसका साइज हो गया। नेक्स्ट वाले में 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मैश साइज क्या हो गया, 5 mesh इसका साइज हो गया। ये देखो ओपनिंग 1 inch की साइड में ओपनिंग कितनी हो रही है, ये वाली ओपनिंग की बात की जा रही है, 1 and 2 ओपनिंग। फिर आपने ये वाले ओपनिंग देखे, 1, 2, 3, 4, 5 ओपनिंग। फिर आपने इस वाले में देखो 1, 2 and 3, तो इसका साइज क्या हो गया, 3 mesh हो गया। उसके बाद में इस वाले को काउंट करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो इसका क्या साइज हो गया, 13 mesh इसका साइज हो गया। 1 inch के स्क्रीन के सामने जितनी भी ओपनिंग्स आएंगी मैश की, उसको हम मैश साइज से रेफर करते हैं। इन वेरी इजी लैंग्वेज, आराम से समझने के लिए आपको चीज ध्यान देनी है। 1 inch की स्क्रीन का मैंने स्केल आपके लिए बनाया था एग्जांपल के लिए, यहां से यहां तक का कवर करेंगे, यहां पे 2 openings थी 1 and 2, तो ये हो गया 2 mesh, यहां पे 5 openings थी तो हो गया 5 mesh, 1, 2, 3 openings थी हो गया 3 mesh, यहां पे 13 openings थी तो इट मींस हो गया 13 mesh। तो आपका 1 inch की स्क्रीन के सामने जितनी भी मैश की ओपनिंग आ रही होगी, उससे उसका मैश साइज हम उसको रेफर करते हैं। ये रही बात मैश साइज को काउंटिंग की, कैसे निकालते हैं। इसके बारे में क्या आता है कि फूड इंडस्ट्रीज में मोस्टली हम एक तरह का, एक एग्जांपल बताता हूं, ये कोई टैंक है, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई टैंक है, अब यहां से कनेक्टिविटी हो रही है, ये एक पॉट फिल्टर है, फिर यहां से लाइन है, ये दूसरा पॉट फिल्टर है, यहां से लाइन है और एक तीसरा पॉट फिल्टर है, फिल्टर्स लगे हुए, ठीक है। अब इसमें भी जाली लगी हुई है, इसमें भी जाली लगी हुई है, इसमें भी जाली लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक, अब मेरे को आपको मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि आपको क्लियर की कैसे कैसे जो जाली लगी है वो 10 की है और एक 30 की है और एक 50 की है, मैश साइज बता रहा हूं मैं। अब आपको किस सीक्वेंस से जालियां लगानी चाहिए, कैसे आपका होना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने हमेशा आपको ये चीज याद रखना है कि जो लोअर वाला होगा उसमें क्या होगा, मीडियम, इसका मतलब इसके 10 मैश ओपन हो रहे हैं 1 inch के एरिया में, इसके 30 mesh ओपन हो रहे हैं 1 inch के एरिया, और इसके 50, तो इनमें जो सबसे बड़ा साइज रहेगा वो 10 वाला। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे 10 मैश का लगाना चाहिए, फिर यहाँ पे 30 मैश का लगाना चाहिए, फिर आपको 50 मैश का लगाना चाहिए। ये जाली आपके हिसाब से आपके प्लांट में किसी भी तरीके से हो सकती है। तो मैंने आपको एक शुगर सिरप, ये एक सिरप का एग्जाम्पल मैंने अंदर दिया है कि सिरप किस वे पे पास होना चाहिए, उसका रीजन क्या है। सबसे पहले 10 का ही क्यों लगाना चाहिए, 10 का इसलिए लगाना चाहिए कि अगर कोई बड़े थ्रेड या कोई धागे कुछ भी आया, वो यहीं पे मोस्टली बड़ी वाली चीजें ये रोक देगा, और उससे जो हल्का था वो इस स्टेज पे जाके रुक जाएगी और यहां तक बहुत ही कम आ पाएगी, ठीक है। तो आपकी ये सिस्टम ठीक है। अगर मैं इसकी जगह में सबसे पहले 50 मैश का लगा देता, यहां पे अगर मैं इसकी जगह में 50 मैश यूज करता,
मान लीजिए मैंने इस बार जो पहले सीक्वेंस बताया है 50 लगा था, यहां पे मैं 30 लगा देता हूं, यहां पे 10 लगा देता इस बार। जो 50 मैश वाला होगा मैक्सिमम अगर उसमें हम सबसे ज्यादा रोकेगा तो उसका क्या होगा, फटने का चांस हो जाएगा आपकी लाइन में, उसका कंट्रोल फिर इन दो का रोल कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने 50 मैश वाला तो सबसे पहले लगा दिया, सबसे बारीक जाली सबसे आगे आ गई। 50 मैश का मतलब हो गया कि ज्यादा पोर्स आएंगे 1 इंच के एरिया में, तो आपका ये जो फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम है पूरा बेकार हो जाता है। क्योंकि ये मैंने मोस्टली पर्सन के मेरे पास जो भी आते हैं क्वेरीज आती है, सर कैसे होगा, क्यों डाउट्स होते हैं, उसी को लेकर मैं आपको ये ब्रीफ आज ये कर रहा हूं कि कभी भी अगर आपका कोई सिरप है तो आपको मोस्ट ध्यान दे रहा है कि सबसे पहले जो कम साइज वाला है आपका वो आना चाहिए, फिर उससे ज्यादा आना चाहिए, फिर उससे ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि इसमें 10 मैच का मतलब 1 इंच के स्क्रीन के सामने खाली 10 खुलेंगे, 30 में ज्यादा खुलेंगे तो स्पेस और ज्यादा हो जाएगा, 50 में और ज्यादा खुलेंगे, तो आपका सीक्वेंस ये रहेगा 10, 30, 50। आपके पास जो भी साइजेस की सबकी अपनी अपनी इंडस्ट्रीज की साइजेस अलग अलग होते हैं, आपको उसी सीक्वेंस पे अपना चलाना है। आई होप कि फ्रेंड्स इन चीजों से आपको सारा क्लियर हो गया हो मैच साइज, और अगर आपको कुछ और भी डाउट्स होते हैं आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं।